कोई भी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी चीज जब अपने अंतिम चरण पर आती है तो बुरा ही लगता है। मेरे को बहुत दुख हुआ एकदम, मुझे खबर मिली थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो टाइम डिफरेंस की वजह से मुझे लेट मिली थी, तो मैंने एकदम नेट के ऊपर पढ़ा एंड आई फेल सो बैड, क्योंकि लाइफ विदाउट सचिन हमने कभी सोची नहीं थी। सो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की है कि वो डिसीजन उनका अपना है और मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी सचिन तेंदुलकर के लिए उनका डिसीजन ले सकते हैं। उनसे बेहतर क्रिकेट, उनसे बेहतर स्पोर्ट को शायद कोई और नहीं समझता, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। एंड आई थिंक मुझसे कोई पूछ रहा था कि अभी उनको क्या करना चाहिए क्रिकेट के लिए, अभी वो अगले 10-20 साल क्या करें क्रिकेट के बढ़ावा करने। आई थिंक उन्होंने क्रिकेट के लिए वैसे ही इतना कर लिया है, मेरे हिसाब से उन्हें रेस्ट करना चाहिए, छुट्टी बनानी चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए। एंड इस दुनिया, इस देश को जो उन्होंने दिया है, ही शुड बी एबल टू सिट बैक एंड एंजॉय दैट। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ही इज अ फ्रेंड, माय लव, एंड आई विश हिम हेल्थ एंड हैप्पीनेस, एंड आई व्हाटएवर ही डज नाउ, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड जस्ट स्टैंड व्हेनेवर वी आर, व्हेनेवर वी सी हिम इज ओल्ड मैचेस, एंड से थैंक यू सचिन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो दो होगा मैं ये चले जाऊंगा वहां पर, तो लेकिन मुझे पता नहीं, मैं शायद शूटिंग कर रहा हूं, अगर नहीं होगा तो शायद एक दिन जाके हेलो तो कह के आऊंगा, मैच देख के आऊंगा। मुंबई में तो आज नहीं होगा, तो कोलकाता में जरा हम लोग देखते आऊंगा।